अनीश जी ठीक है, लेकिन ये बताइए जो यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि भाई वेरीफाई तो किया होगा ना आप लोगों ने कि कोई भी ट्वीट या कोई भी चिट्ठी आपको कहीं से मिल गई, किसी ने भी फोन करके आपको बता दिया और आपने उसको ट्वीट कर दिया। अपना प्रियंका गांधी कोई आम इंसान तो है नहीं, उनका एक पद है, उनकी एक प्रतिष्ठा है, वो कुछ भी पोस्ट करेंगी तो उसके पीछे का कोई तो आधार होगा, वेरीफाई तो किया होगा ना कहीं से। सवाल इस बात का है कि आप 41 एफआईआर करके हमसे ये जानने की कोशिश मैं एफआईआर का सवाल रजनी जी से पूछूं कि अगर वेरीफाई किया है या नहीं उसका जवाब आपको देना है मनीष जी। नहीं मनीष जी पहले सवाल का जवाब आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वेरीफाई किया या नहीं किया या ऐसे ही पोस्ट कर दिया। जो जवाब देना देखिए देखिए हमको जहां जो जवाब देना है वो हम देंगे है ना, और बाकी बाकायदा कानून तो आप ये नहीं बताएंगे कि आपने वेरीफाई किया या नहीं किया। कह रहे हैं ना कि ये सत्य, ये रजनीश अग्रवाल जी कह रहे हैं ना हम सत्ता का दुरुपयोग करके डराएंगे धमकाएंगे 41 एफआईआर करेंगे, यही तो रजनीश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अगर हम विपक्ष के तौर पर कोई बात उठाएंगे कोई बात कहेंगे तो ये डराने की कोशिश करेंगे, 41 एफआईआर कर देंगे। नहीं डर वर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। छोड़िए ना आप डर क्यों रहे हैं? नहीं नहीं अगर आप सच्चे हैं आपकी वो आपका वो सबूत सच्चा है तो ले आइए ना सामने, डर वहीं खत्म हो जाएगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा, ले आइए सामने, बता दीजिए कि वेरीफाई किया हमने पहले। ऐसा है कि जिस 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 सरकार में संदेहास्पद परिस्थितियों में 40-40 लोगों की मौत हो जाती हो उस सरकारों में आपको अपने स्रोतों को बचा के रखना होता है। बिल्कुल बचा के रखिए, और जो मैं कह रहा हूं जो अपने नाम से चिट्ठी लिख सकता है ये कह सकता है कि मुख्यमंत्री से बात भी हुई लेकिन कोई समाधान नहीं मिला, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सामने आके बात रखने की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विपक्ष साथ में खड़ा है, आप लोग साथ खड़े हैं सामने आके बात के, अब तो एफआईआर हो गई ना, बिल्कुल बिल्कुल ये सामने आकर बात जो होगी वो सच्चाई रखी जाएगी। अब तो ये तो कह रहे हैं ना कि संबंध बेच के प्रियंका जी को बुलाएंगे, बुलाएं संबंध बेच के, हम अब तो हमको अपनी बात होगी, हम कानून में कर रखेंगे, कानून में अपनी बात रखेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।